होंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचे। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने लिप को कैसे थिन कर सके। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जिसके लिप्स मोटे हैवी होते हैं तो वो बहुत परेशान रहते हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाए हुए थे तो उन्होंने बोला कि मैम ऐसा कुछ बताइए कि थिन हो जाए, सच में होता है ना, वर्क तो करता है ना। तो गाइस ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है अगर एवरीडे करते हो, जैसे मैं बता रही हूँ दिन में किसी भी टाइम में ये एक बार कर लो, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एक महीने से कम में 20 दिन में ही फर्क आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक महीना बोल रही हूँ क्योंकि अगर एवरीडे करते हो ना तो इससे क्या होगा, जो आपकी अगर आपकी जो लिप्स हैं थोड़े मोटे हैं वो धीरे धीरे पतले हो जाएंगे और काफी ज्यादा अच्छा आपको लगने लगेगा। और बहुत सारे लोगों को, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है और तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि कैसे क्या क्या स्टेप करेंगे कि आपके मतलब थिन लिप्स हो जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो हम लोग शुरू करें। सो गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। ये सारे जो भी स्टेप है मैं खुद के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग को किसी को ना लगे कि ये सब फेक है या कुछ है, इसलिए मैं खुद पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मेरे जो लिप है वो ठीक है, अगर जिसको जरूरत है वो कर सकते हैं, काफी ज्यादा फायदेमंद है और करके देखे, एक महीना करके देखे, आप लोग को खुद पे खुद पता चल जाएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखिए। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रेसलिन लिया है, आप लोग देख सकते हो ग्रेसलिन बहुत अच्छा होता है आपको लिप को थिन करने में। और यहाँ पे फिटकरी है, इसे हम स्क्रब करेंगे, फिटकरी और ग्रेसलिन मिलाकर स्क्रब करेंगे। और मैंने यहाँ पे कद्दूकस खीरा कर लिया है और इसको आइस ट्यूब में डाल दिया आइस ट्यूब बनाने के लिए। और एक कटोरी लेंगे और देखिए जो फिटकरी था उसको मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, आप इसे पीस लेना या छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेना। और यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप आपको यहाँ पे ग्रेसलिन डालना है, ग्रेसलिन से और फिटकरी से मिलाकर इसको अच्छे से मिला लेंगे, दोनों को देख लो आप, दोनों को मिला लेंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है आपकी जो लिप है उसको पतली बनाने में और सॉफ्ट भी रहता है। तो चलिए देख लीजिए अब मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने होठ पे, अच्छे से दोनों होठों पे अच्छे से लगा लेंगे, 30 सेकेंड लगाकर इसे रखेंगे मतलब स्क्रब करेंगे इससे। और लगाने के बाद आपको गरम गरम सा लिप पे फील होगा, उससे आप घबराना नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। और फिर जो मैंने ये खीरा का वो ट्यूब्स बनाए थे ना आइस वाले, उसको लेकर उससे स्क्रब करना है, इससे अच्छे से स्क्रब करेंगे। स्क्रब यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड या 1 मिनट तक आप कर सकते हो, जब तक आपके हाथ में वो ट्यूब रहेगा तो आप उससे कर लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गाइस ये इससे थिन लिप्स होते हैं, अगर एवरीडे आप करते हो तो आपका रिज़ल्ट आपको अच्छा रहेगा। अगर इजी वे में मैं आपको बता देती हूँ कि करना कैसे है, आप चाहो तो सिर्फ आइस को भी, यहाँ आइस को भी अपने लिप पे रात को सोने वक्त सिर्फ आइस ट्यूब ले, अपने होठों पे अच्छे से उसे मालिश कर ले, अच्छे से लगा ले एक ट्यूब। देन उसके बाद वैसलिन होता है, वैसलिन को अपने लिप पे लगा के मॉइस्चराइज कर ले और सो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसे ऐसे ही वॉश कर ले। उसके बाद एवरीडे ऐसे करेंगे ना तो आपको 20 से 1 महीने के अंदर आपको फ़र्क पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो ये बता रही हूँ ये वाली बहुत जल्दी काम करेगा और बहुत ही अच्छा होता है ये करने से, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और जिसको थिन लिप्स चाहिए वो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कुकुम्बर लिया था, कुकुम्बर का एक आइस ट्यूब बनाया था, ये बहुत ही अच्छा है और इससे आपका जो स्किन आपके जो लिप का कलर है वो तो निखरेगा ही और साथ ही साथ आपका लिप्स जो है वो सॉफ्ट होगा और थिन भी होगा, क्योंकि आइस है, अगर कहीं भी स्वेलिंग होती है
तो हम आइस वगैरह लगाते हैं तो वहाँ का स्वेलिंग खत्म हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे आइस की मतलब यूज़ कर रहे हैं कि जो होट जो मतलब हमारे जो होठ है वो अगर मोटे हैं तो उसको हम कैसे थिन कर सकते हैं, तो आइस से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वॉश भी कर लिया है और मेरा लिप का रंग भी देख रहे होंगे कितना नेचुरली पिंक है, क्योंकि इसके लिए केयर करना पड़ता है। मैंने वीडियोस भी डाला है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था सिंपल वाला आइस, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो रात को सोने वक्त सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही आइस को अपने लिप पे अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद आप ऐसे वाला एक एक्सरसाइज कर ले, ऐसे एक्सरसाइज करने के बाद इसे ना 10-10 सेकंड तक होल्ड करके रखे या 5 टाइम करे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद लिप बाम लगाकर, लिप बाम इन द सेंस कि आप वैसलिन ले लेना, वैसलिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वैसलिन ले लोगे और लगा लेना, इससे भी आपका लिप थिन हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने लिप थिन पे वीडियोस बनाए हैं तो आप लोग जाकर देख लेना, और लिप थिन के बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देख लेना। लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया कि डिटेल्स में बता देती हूँ, कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सच में होगा ना, हो तो जाएगा ना। तो गाइज़ मैं वीडियो जो भी बनाती हूँ अगर उसका फ़ायदा होता है तो ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती हूँ। मैं अपने व्यूवर्स के पास में कुछ गलत मैसेज नहीं दूंगी, तो इसलिए कि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो सही है, लेकिन आपको लगातार करना होगा। टाइम लगता है, मैं जो बताती हूँ उसमें टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट 100% सही आता है। तो जो एक्सरसाइज ऐसे मैं कर रही हूँ वो एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है थिन लिप्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिप को, दोनों लिप को अंदर दाबना है अपने होठों में, और इसे 10 सेकंड के लिए रखना है और 5 टाइम करना है। देन इसको ऐसे हम पाउट बनाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पाउट धीरे धीरे बनाकर एक शेप लेकर आएंगे, देखिए जैसे मैं लेकर आ रही हूँ लाइक दिस, और उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करके हम 10 से 15 सेकंड रखेंगे, फिर उसको हम स्लोली स्लोली फिर उसको छोड़ देंगे और अपने चेहरे को जो हमारा जो लिप्स है उसको हम रिलैक्स करने देंगे, रिलैक्स करने देंगे, फिर वापस से सेम प्रोसेस में हम वैसे ही करेंगे। देखिए जो मैं जैसे मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, देन वापस से सेम प्रोसेस में हम वैसे ही करेंगे। ये एक्सरसाइज कर ले, आप थिन लिप्स की जो प्रॉब्लम है, थिन लिप्स जो करनी है आपको, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी जो लिप्स है वो थिन हो जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगेगा। और उस पर से मैंने इसलिए ये सब अपने खुद के ऊपर करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप कि करना कैसे है, तो इसलिए कि आप लोगों को पता चल जाए। तो मैंने आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि कैसे करना है। तो ये जो है फिटकरी है और ग्रिसलिन है उसे स्क्रब कर लेना है, स्क्रब करने के बाद वो जो खीरा का आइस ट्यूब बनाया था उससे रफ कर लेना है और उसे फिर उसको छोड़ देना है। वो दिन में कर ले और रात को सिर्फ सिंपल सा आइस अपने होठों पे लगाएं और थोड़ा एक एक्सरसाइज वगैरह कर ले और वेसलिन लगा ले, वेसलिन लगा कर बस सो जाए। इससे आपके 20 से 30 दिनों में आपके लिप थिन हो जाएंगे। फिर आकर आप मुझे कमेंट करना, तो अपना फीडबैक देना आप लोग भूले ना। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुँचे, और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलना। ओके, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों